स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं हूँ प्रेरणा और मैं आज वीडियो बना रही हूँ अपनी ईयरिंग कलेक्शन पे। मेरे पास जंग ज्वेलरी भी बहुत सारी है, गोल्डन ज्वेलरी भी बहुत सारी, जिसको हम लोग हमारी एथनिक ड्रेसेस के साथ में पैरअप कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है देख लीजिए आप, ये सारी ज्वेलरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। पूरी ज्वेलरी तो मैं एक वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारी है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ अपनी गोल्डन ज्वेलरी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और कैसा लगता है आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले है मेरे पास में ये एक पूरा सेट, ये मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी डाला था जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था। तो वो इसमें जो इयररिंग्स हैं ये कुछ इस तरीके के हैं, और ये साड़ी के साथ में बहुत सुंदर लगते हैं। आप अगर इनको डाल लेते हो तो आपको गले में कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसा लगेगा पहनने के बाद, मैं इसको पहन के भी दिखाती हूँ। सुंदर है ये, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, ये जावेरी पर्ल्स का है। और इसके साथ में जो बेस्ट पार्ट है, एक बहुत ही सुंदर सा टीका भी है। पहनने के बाद में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। नेक्स्ट मेरे पास में ये पूरा सेट है, ये भी टीका और इयररिंग साथ में है, एंड ये भी बहुत सुंदर है, साड़ी के साथ में बहुत ही प्यारा लगता है। जो टीका है वो कुछ इस तरीके का है, ये आप साड़ी, शरारा, सूट किसी के साथ में भी पेयर कर सकते हैं। सी अच्छा है ना, ये मैंने मुंबई से परचेज किया था, वहाँ के लोकल मार्केट है भुलेश्वर, अगर आपने सुना हो। नेक्स्ट मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट झुमका, क्योंकि मुझे झुमके बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये सिल्क की साड़ी इसके साथ में बहुत ही सुंदर पीस लगता है। डाल के दिखाती हूँ, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट अगेन एक झुमका है जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम से है। मैंने जो ज्वेलरी कलेक्ट करी है वो यू नो अलग अलग शहरों से है, बेंगलोर से है, जयपुर से है और मुंबई से है। तो ये जो झुमका है ये भी बहुत सुंदर लगता है, ये मेरे पास बहुत टाइम से है, पर इसका जो शाइन है वो अभी तक वैसा का वैसा ही है। नॉर्मल आप पूजा वगैरह में डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, साड़ी के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है। किनसी नेक्स्ट है मेरे पास में टैसल इयररिंग्स, और बीच में अगर आपको पता हो तो टैसल इयररिंग्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था उस टाइम पे, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। काफ़ी ट्रेंडी है, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। है ना स्टाइलिश, अगर आप कोई भी डिज़ाइनर साड़ी डाल रहे हो उसके साथ में बहुत अच्छा लगेगा।
फेस्टिवल्स में भी अगर आप इसको डेली मतलब यू नो पूरे दिन डाल के रखोगे ना तो भी आपको इसमें बिल्कुल भी वजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी सुंदर भी लगेगा। सूट वगैरह के साथ में भी डाल सकते हो। नेक्स्ट ईयरिंग है मेरे पास ये, देखिए कितना सुंदर है ये चांदबाली हम कह सकते हैं इसको। ये मैंने इंदौर से परचेज करा था और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आप डेली वेयर में भी डाल सकते हो, जैसे आप ऑफिस जाते हो राइट, कुर्ती वगैरह डाल रहे हो तो इसके साथ में कर पैर। नेक्स्ट ईयरिंग है मेरे पास ये गोल्डन बालियां है, इसमें मल्टी कलर के बीट्स हैं, तो ये किसी भी कलर की साड़ी के साथ में चले जाएंगे। पास में हूप्स है गोल्डन कलर में जो कि मल्टी कलर है। सी देखिए ये भी बहुत सुंदर है दिखने में। और नेक्स्ट ये बहुत लाइट वेट है और यू कैन सी सुंदर है। उनको भी आप साड़ी सूट किसी के भी साथ में पेयर अप कर सकते हैं। मैं एक साउथ इंडियन टच देने वाला झुमका जो कि है ये, लग रहा है ना साउथ इंडियन, ये सिल्की साड़ी इसके साथ में बहुत अच्छा जाता है। सो नाउ लास्ट पर्टिकुलर लीस्ट मेरे पास एक बहुत ही प्यारे स्टड काइंड ऑफ इयररिंग्स जो कि है ये। ये बहुत सुंदर है, इसके अंदर पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, पहनने के बाद कुछ ऐसा लगता है। ये किसी भी आप पार्टी फंक्शन में इजीली कैरी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको मेरा इयररिंग कलेक्शन बहुत अच्छा लगा हो। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सजेशन दीजिएगा अपने कि मैं कैसे अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।